इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी हैं जो एम्स न्यूरोलॉजी की एचओडी हैं और साथ में किरणदीप कौर हैं जो डॉक्टर हैं जिन्होंने स्टडी की है। मैम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि क्या स्टडी है और उसकी फाइंडिंग्स किस तरीके की हैं। देखिए, जो हमारे देश में और विश्व भर में जो मिर्गी के मरीज हैं उनको दवाई खानी ही है और बिना रोके, बट दवाई खाते हुए भी इनकी कुछ समस्याएं हैं जिन पे कोई भी शोध नहीं हुआ था। एक बहुत मुख्य समस्या वो है स्टिग्मा की जो मरीज को होती है। स्टिग्मा ऐसी चीज़ है जिससे मरीज अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करता है, या फिर मरीज के साथ जो कम्युनिटी है या फैमिली है या रिलेटिव्स हैं वो उसको घृणा करते हैं या उसको अपने से अलग करते हैं। जैसे शादीशुदा औरत को घर से बाहर कर देना क्योंकि मिर्गी हो रही है जी। ये और किसी बीमारी के साथ नहीं है, ना ये अस्थमा की बीमारी के साथ स्टिग्मा होता है, ना फिर डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ हो या फिर हेडेक हो तो स्टिग्मा होता है। ये मिर्गी के मरीजों को झेलना पड़ता है और बदकिस्मती से हमारे देश में बहुत है। तो इस पे विश्व भर में कोई भी ऐसी शोध नहीं हुई थी जिससे पता लगाया जाए कि स्टिग्मा कम किया जा सकता है, और अगर हम कोई इंटरवेंशन करें जिससे स्टिग्मा कम हो सकता है उस पे उसका दौरों पे भी असर पड़ेगा कि नहीं। तो जो मरीज हमारी स्टडी में थे वो सब दवाइयों पे थे, जो एंटी सीजर मेडिसिन जो हम एडवाइस करते हैं वो ले ही रहे थे, पर उसके साथ इनको हमने एक तरीके से योग का इंटरवेंशन कराया, और किस टाइप का योग था वो अलग अलग प्रकार का था और उसका असर हमने देखा, मतलब एक सकारात्मक असर हुआ मिर्गी को लेकर जो था जी। हमारे साथ डॉक्टर किरणदीप कौर भी हैं। मैम ये समझना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सा योगा आप लोगों ने करवाया और कितने वक्त का ये पूरा हुआ? पूरा हमारा इंटरवेंशन था वो 3 महीने का था, 12 हफ्ते का था। जो टाइप्स ऑफ योगा थे हमने सूक्ष्मयाम दिया, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, एंड उसके बाद मेडिटेशन। 50% जो था इंटरवेंशन वो मेडिटेशन को डिवोटेड था, एंड बहुत ही यू कैन लाइक आई सेड फिजिकली इंटेंसिव नहीं था, बहुत लाइट रिलैक्सेशन इंटरवेंशन था। सो दिस वाज द टाइप ऑफ योगा दैट वी कवर। असर क्या आप लोगों ने नोटिस किया इसमें? असर 3 मेन एस्पेक्ट्स में है, जैसे कि मैडम ने बोला, एक तो है कि स्टिग्मा कम होता है जो कि हमारी कंट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है क्लिनिकल, यानी कि सीजर फ्रीक्वेंसी, दौरों की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने पाया कि अप टू 7 टाइम्स लाइकली है सीजर फ्रीडम, यानी कि कम होती है सीजर फ्रीक्वेंसी। और तीसरा जो था कि एंग्जाइटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आपके मेंटल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। इट रियली इम्प्रूव्स योर ओवरऑल वेलबींग एंड योर मेंटल वेलबींग। सो जी, कितने पेशेंट्स थे मैम और कितने दिनों का ये पूरा हमारा वो चला? 160 पेशेंट्स थे ओवरऑल। 80 पेशेंट जो थे उनको योगा दिया गया, 80 पेशेंट्स को योगा नहीं दिया गया। दे वर द कंट्रोल ग्रुप। जो इंटरवेंशन का जो पीरियड था, यानी कि जब तक हम उन्हें योगा दिया वो था 3 महीने का, और 6 महीने के एंड में, यानी कि टोटल ड्यूरेशन जो स्टडी थी वो 6 महीने की थी। 6 महीने के बाद हमने अपना इवेल्युएशन और असेसमेंट किया कि भाई क्या असर आया। सो हाँ जी, तो इंटरवेंशन 3 महीने का था और जो टोटल स्टडी थी वो 6 महीने तक चली थी फॉर 1 पेशेंट। और इसमें जो ये हमारी रिसर्च जो है, हमारा शोध जो है वो कहाँ पे पब्लिश हुआ है मैम, और उसके बारे में अगर बताएं? ये अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे रिनाउंड जर्नल है न्यूरोलॉजी का। दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल इज ऑल्सो न्यूरोलॉजी, पर ये अमेरिका का सबसे रिनाउंड जर्नल है जहाँ पे ये रिसर्च पब्लिश हुआ है। और लाइक मैम हैड एक्सप्लेन, इसका लेवल ऑफ एविडेंस जो है स्टडी का बहुत हाई है, बहुत हाई इम्पैक्ट है। ऐसी स्टडी आज तक हुई नहीं है दुनिया में, तो इसलिए अमेरिका के जर्नल ने इसको। और एक चीज और समझना चाहती है, स्टिग्मा जो है जो मरीज को खुद था, उस स्टिग्मा से वो मरीज उभरा, वो आप लोग कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। स्टिग्मा से मरीज उभरा, दवाइयाँ नहीं रोकी जैसे कि मैडम ने कहा, दवाइयों के साथ, लेकिन दिस वाज अ वेरी गुड एड ऑन थेरेपी, समथिंग दैट इज एडिशनल जो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मेंटल वेलबींग को, आपकी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। आज तक इस तरीके की स्टिग्मा को लेकर कोई स्टडी, कोई शोध नहीं हुआ। कंक्लूसिव स्टडी ये हमारी पहली है दुनिया में। दिस इज द फर्स्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे हमने कंक्लूसिवली शो किया है कि योगा का असर होता है। इनफैक्ट स्टिग्मा के ऊपर जो है अभी तक किसी ने कोई नहीं निकाला था कंक्लूसिवली कि इसको कम कैसे करें, तो दिस इज द फर्स्ट सच स्टडी इन द एंटायर वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।